नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं अपने नए मेहमानों से अनुरोध करूंगा, वहाँ नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, कृपया आप उसे दबा के ब्राउन कर दीजिएगा। और कल के लिए एक जरूरी सूचना, कल 9 से 10 के बीच में फिर से इस चैनल पर आ जाइएगा, चाहे YouTube का नोटिफिकेशन आए चाहे मत आए, बस आपको आ जाना है, क्योंकि कल मैं एक न्यू वैकेंसी का अपडेट करूंगा, तो आप आके उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने 3 दिन से कोई वैकेंसी नहीं डाला, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी आ नहीं रही थी। तो और मैं इस चैनल पे कोई भी प्राइवेट वैकेंसी के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ। तो अगर वैकेंसी आती है तभी मैं डालता हूँ, और फालतू की वीडियो नहीं डालता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। उसके पहले, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपका वीक है, तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जो कुछ स्टेप से दिखेगा अनअकैडमी पे। दोस्तों, अगर बात किया जाए अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी पे कुछ इस टाइप से प्रोफाइल दिखेगी। सत्यम कुमार नाम से यहाँ पे प्रोफाइल रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ बैंकिंग के पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिया हूँ। और देख सकते हैं, इसके साथ ही मैं डेली करंट अफेयर क्विज का क्वेश्चन यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो बस यहाँ से आइए आप, डेली करंट अफेयर क्विज एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए और सॉल्व करिए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अनअकैडमी पे इतना प्यार दिया। एंड सिंपली आप यहाँ पे फॉलो बटन पे क्लिक करके आप फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। जो आपकी आज की वैकेंसी है, कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर एक सब्सिडरी है, MCL मीन्स महानदी कोल फील्ड लिमिटेड की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये आपका लोकेशन रहेगा उड़ीसा, इसका लोकेशन रहेगा। तो जो भी आपको जॉब लोकेशन रहेगा उड़ीसा के अंडर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जूनियर ओवरमैन की वैकेंसी आई है, माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर की यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं 31,582 रुपये कुछ समथिंग बनेगा पर मंथ। और यहाँ पे उसके अपने रिगार्डिंग यहाँ जितना आपका वो है वो आप देख सकते हैं, मतलब कितने कितने पोस्ट हैं यहाँ पे देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पे अगर बात कर लिया जाए तो इतने इतने पोस्ट हैं। तो और कुछ देख लेते हैं इसके लिए, पहले आप देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, जो पहला, मैं इसको तीन है, पहला एक है जूनियर आप ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, जो पहला था जूनियर ओवरमैन इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी। ठीक है, तो मेट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना ही चाहिए। ठीक है, मेट्रिकुलेशन डिप्लोमा अगर माइनिंग में हो, अगर आपने डिप्लोमा माइनिंग में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इश्यू बाई डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ठीक है, अगर इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं DGMS का, वो आपके पास होना चाहिए। इनवैलिड एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर माइनिंग में काम कर रहे हैं, चोट वोट लग गया, तो मतलब उस मतलब फर्स्ट एड आपको मोस्टली आना ही चाहिए। ठीक है, इनवैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सेकेंड पोस्ट है माइनिंग सरदार की, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए मेट्रिकुलेशन मांगा है, एंड सेम टू सेम यहाँ पे तीन मांगा है, वैलिड सर्टिफिकेट फॉर माइनिंग एंड वैलिड फर्स्ट एड एंड वैलिड गैस टेस्टिंग, यहाँ पे ये तीन जरूर होना चाहिए। ठीक है, और या इसको आप देख सकते हैं, मल्टीकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, आप अगर ये भी हो तो अभी आप इसमें माइनिंग वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक और जो लास्ट बचा है उसे देख लेते हैं, सर्वेयर का। ठीक है, तो इसमें अगर आपके पास मेट्रिकुलेशन की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है। एंड वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, जो भी आपका DGMS इशू करता है। ठीक है, वो होना चाहिए। एज लिमिट देख लीजिए, 18 मिनिमम एज है, मैक्सिमम 30 साल है। और जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST वालों को 5 साल मिलेगा एंड OBC वालों को 3 साल मिलेगा ही। और देख ही लेते हैं, इसके साथ ही साथ जो भी आपका एग्जाम होगा ये बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जो इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, ए एंड बी सेक्शन। जो ए सेक्शन होगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, जो इसकी 20 क्वेश्चन कंटेंट करेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, टेक्निकल नॉलेज का होगा, उस 80 क्वेश्चन वो कंटेन करेंगे। ठीक है, टोटल 100 नंबर का होगा। और इसमें देखिए एक ही स्टेप है, और कोई इसमें इंटरव्यू तो इसमें दिया नहीं है, तो बस इसको क्वालिफाई करिएगा एंड आपको जॉब सिक्योर हो जाएगा। तो बस अच्छे से लग जाइए।
और हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ी क्या है। तो 100 रुपये इसकी फ़ी रहेगी, एंड एस सी एस टी वालों को कोई फ़ी नहीं है, जनरल एंड ओ बी सी वालों के लिए 100 रुपये यहाँ पे फ़ी रहेगा, ठीक है। और देखिए, ऑनलाइन ही अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नोटिफिकेशन का लिंक, और अप्लाई करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन ए कब स्टार्ट होगा, 21/12/2018 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कब रहेगा, 10 जनवरी 2019 इसका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर अगर जिसको हिंदी में पढ़ना है तो ये नोटिफिकेशन हिंदी में पढ़ सकता है, यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन हिंदी में है। तो मैं दोनों ये एक ही में ज्वाइंट है, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। और देखिए, एक बार क्विक रिव्यू कर लिया जाए, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा मोस्टली में भी उड़ीसा ही होगा, ठीक है। इधर उधर नहीं होगा क्योंकि उड़ीसा की वैकेंसी है, और जॉब लोकेशन भी उड़ीसा होगा। लास्ट डेट बता दिया आपको, एंड स्टार्टिंग डेट बता दिया, एंड सैलरी बता दिया। हाँ, और जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहेगा, एंड यही बता सकता हूँ। और वैसे माइनिंग से ही रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये कोल फील्ड की वैकेंसी है, तो उससे रिलेटेड ही रहेगा। और बस यही, शायद यही सारा इम्पोर्टेंट था। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड इनका यहाँ पे इस पीडीएफ में आपका इनका हेल्पलाइन नंबर भी है, आप वहाँ पे जाके इनसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी, कोई भी डाउट हो तो आप इनसे ही पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप चले जाइएगा इस ईमेल आईडी पे, और इनसे पूछ लीजिएगा जो भी आपका डाउट, अगर यहाँ नहीं क्लियर हुआ होगा तो। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं कल फिर से 9 से 10 के बीच में इसी चैनल पे। ओके, बाय, टेक केयर।